गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से। और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है, चलिए देखते हैं। देर ना करते हुए आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं? ओके गार्डियन एंजल, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं प्लीज बताइए। सिल्वर, द सिल्वर वाटरफॉल, क्या एनर्जी है उनकी? सेक्सुअल फ्रीडम, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, मैच्योरिटी, ओके कमिटमेंट एंड रेनबो रिवाइवर, शिवलरी डेटिंग, वाव, कनेक्शन एंड द डिवाइन फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। आपके पार्टनर आप ये कनेक्शन तो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं देख रही हूँ आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन भी समझते हैं। एक सेकेंड गाइस, मेरे कार्ड्स गिर गए हैं। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही थी, आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है, कार्ड्स आ गए हैं। क्या है, आपके पार्टनर अपने बारे में अभी अच्छा सोचने लगे हैं, अपने पे काम करने लगे हैं, अपने को नर्चर कर रहे हैं। जो चीज़ें एक तरह से मैं बोल रही थी कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज जो उनके माइंड को मैनिपुलेट कर रही थी एक तरह से, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो अपने को पैम्पर कर रहे हैं एक तरह से, मैं बोलूँ तो अपने से प्यार करना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना? और है ना, अपने को नर्चर करना शुरू कर दिया है, ठीक है? अपने पे ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ये एनर्जी है कि उनके वाइब्रेशन भी हाई हो रहे हैं, उनके वाइब्रेशन भी रेज हो रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं। आपकी आपसे जो कनेक्शन है, जो ये जो फील करते हैं, उससे उनके वाइब्रेशन हाई हो रहे हैं एक तरह से। अच्छी फीलिंग, अच्छा फील कर रहे हैं एक तरह से वो आपके लिए, है ना? उनके अंदर भी वो एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो रही है। और बिल्कुल आपको अच्छा समझते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से वो सोच सोच के बैठे हैं बट कहीं ना कहीं अभी क्या है कि सोच रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन तो फील कर रहे हैं, आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अभी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल हैं। तो द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अभी तो बहुत परेशानियों में है, बट कहीं ना कहीं आपको सोच के, जो वो आपके बारे में सोचते नहीं थे, बट कहीं ना कहीं अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनको पीस फील हो रहा है। आपके साथ वो पहले की तरह बात करना चाहते हैं, आपके साथ वो पहले की तरह जैसे आपके लिए कुछ भी छोटा मोटा भी गिफ्ट लेके आ जाते थे या बुके ही आपको दे देते थे, तो आपके चेहरे पे जो स्माइल आती थी, जो खुशी आती थी, उससे उनको बहुत सुकून मिलता था, है ना? तो वही चीज़ वो सोच रहे हैं इस टाइम पे कि ये पल वो जो थे, ये पल फिर काश कि फिर से आ जाएं। आपके साथ डेट पे जाने का मन कर रहा है उनका, बिल्कुल वो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, मैच्योर होते नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा बहुत मैच्योरिटी से सोच रहे हैं। क्योंकि एंजल्स और जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो उनके साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल इस बारे में सोच रहे हैं और इस पर काम हो रहा है उनके। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, आप सोलमेट कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे द डिवाइन फेमिनाइन है, कनेक्शन यहाँ पे है। आपके पार्टनर आपको फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपकी जो लविंग वाली एनर्जी है उसको फील कर रहे हैं, है ना? और आपको प्यारा समझते हैं, क्योंकि आपकी वो जो लाइट है वो उन तक पहुंच रही है। आप अपने पे अपने ऊपर काम कर रहे हो ना जैसे, तो जो उनकी एक आपकी प्योर लाइट
आपकी जो ऑरा शाइन कर रही है, डिविनिटी में आप जो आ गए हैं पूरी तरह से, आप अच्छा सोच रहे हैं, इस जर्नी को समझ गए हैं, इस कनेक्शन को समझ गए हैं, अनकंडीशनल प्यार से भर गए हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो पास्ट में, बट आप अच्छा सोच रहे हैं उनके बारे में, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर तक पहुंच रही है गाइस, वो एनर्जी वो आपके पार्टनर तक पहुंच रही है, वो पास्ट के जो मेमोरीज़ हैं, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं आपके साथ, उसको फील कर रहे हैं। उसको फील करने से क्या हो रहा है, वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रीडम चाहिए उनको, एक फ्री होकर वो आना चाहते हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो क्या है कि एक गिफ्ट लेकर जाऊं अपने पार्टनर के लिए, कहीं ना कहीं उसको लेके जाऊं, बात करूं, और आपको खुश करने के लिए एक पैम्पर करना चाहते हैं आपको एक तरह से, है ना। आपको बुके दे, यहाँ पे भी देखो फूल देते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं एक तरह से बोलूँ तो, ठीक है। और कमिटमेंट भी देंगे, बिल्कुल देंगे, बट कहीं ना कहीं अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गाइस, तो अभी वो अपने अंदर जो आपके लिए जो कहना चाहते हैं ना, वो अपने अंदर ही उन्होंने बात रखी हुई है, अभी वो बताना नहीं चाहते। वो उनको ये भी डर रहता है ना कि अगर आपको अभी बता देंगे तो आप कहीं फिर से वो डिस्टॉर्शन वो दिखाना शुरू कर दे, फिर से वो ऑब्सेशन, फिर से वो चेजिंग, वो उनको उस चीज़ से डर लगता है। लेकिन अगर उनको ये कन्फर्म हो गया कि आप वाकई चेंज हो गए, टोटली चेंज हो गए, तो ये कन्फर्मेशन भी इस यूनिवर्स देंगे उनको, और ये जो कन्फर्मेशन उनको मिलेगा तो फाइनली आपकी तरफ आएंगे वो, ठीक है ना। ये कमिटमेंट आपकी तरफ आपको मिलेगा बिल्कुल, और यहाँ पे ये एनर्जी है, ये 100% एनर्जी है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, है ना। चलिए एनर्जी भी देख लेते हैं, एनर्जी ओरेकल से क्या है। सेक्सुअली आपकी तरफ को अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत पैशनेट हैं आपकी तरफ, बहुत प्यार करते हैं, डीप लव मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, बहुत गहरा। ओके ओके गार्डियन एंजल प्लीज एनर्जी के, एनर्जी ओरेकल से क्या आता है देखते हैं। सॉरी, एक्शन लेंगे आपकी तरफ गाइस, बिल्कुल अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब चीज़ें उनको समझ आ रही हैं, और बिल्कुल बुराई को पीछे छोड़ते नज़र आ रहे हैं, अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हार्ट चक्रा उनका ओपन हो रहा है, और कन्फ्यूज़न उनका दूर होगा बिल्कुल, है ना। अपने कर्मा, यानी कि देखो कर्मा पे ध्यान दे रहे हैं, 5 नंबर चेंज आ रहा है, जो नेगेटिव थॉट्स थी उनकी, वो अटैचमेंट अभी है उनके, आपके पार्टनर आपसे अटैच हैं, बहुत बुरी तरह से अटैच है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी उनको घेर के रखती है, अटैचमेंट तो है, सोचते हैं आपके बारे में। सेकंड गाइस, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या एनर्जी है, एनर्जी क्या है, ये देखिए सन आ गया, और ये जर्नी एंड डोर टू वैल्यू, जो उनकी परेशानियां चल रही थी ना पैसों को लेके, वो भी कहीं ना कहीं अब दूर होती नज़र आ रही है मुझे, कुछ ना कुछ ऑफर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके काम अच्छे होते नज़र आ रहे हैं मुझे। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस उनकी लाइफ में आ रहा है, जर्नी उनकी है, उनको ये भी पता है कि जर्नी में मैं किसी ना किसी जर्नी में तो हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मुझे आगे बढ़ना है इस लाइट की तरफ, और वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, बिल्कुल कम्युनिटी को सर्व करना है, ये भी उनको पता है, उनकी हायर सेल्फ उनको सब बता देती है, और यूनिवर्स एंजल्स सब उनके साथ हैं। सोच अच्छी है उनकी, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं वो आपके लिए, सोच रहे हैं, थॉट्स उनकी जो पॉजिटिव हैं आपके लिए, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, पुरानी यादों जो यादें हैं आपके साथ उनको रिकॉल कर रहे हैं। और क्या है, सन, ओ माय गुडनेस, सन टैरो से भी सन आ गया, और ये भी एनर्जी ओरेकल से भी सन है, और क्या बोलूँ मैं, और कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। सक्सेस, बिल्कुल ये क्लैरिटी, वो प्यार, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगा गाइस, डोंट वरी, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, जिस चीज़ की कमी थी वो पूरी होगी, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना, अगर स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ करो उसमें, यूनिवर्स पे छोड़ दो, बाकी डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उस तरफ, अपने जब तुम अपने को खाली करके रखोगे ना, तो अपनी चीज़ों को पहले ठीक करो, अपनी एनर्जीज को ठीक करो, सोचो समझो, स्ट्रेंथ आपके पार्टनर में है,
बिल्कुल बना के रखी है। करेज उनके अंदर आ रहा है, वो स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, हर चीज से टैकल करते नजर आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से निकल रहे हैं। द वर्ल्ड बिल्कुल, यूनिवर्स उनके साथ है, ठीक है। एक कम्प्लीशन उनकी लाइफ में हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, बिल्कुल एक सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ। और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये एनर्जी में जो आपके पार्टनर आ रहे हैं वो यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स उनके साथ हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से आपको याद कर रहे हैं गाइस। एंजल्स उनकी हीलिंग कर रहे हैं, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है, याद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ एयर, उन्हें ये भी पता है कि आप बहुत आगे हैं, आप बहुत, आपके अंदर बहुत विजडम पावर, आपकी बहुत, एक तरह से आपको पता क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक तरह से उनके अंदर ये एनर्जी है। जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, जो मेरी फेमिनाइन एनर्जी है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है कहीं ना कहीं, है ना। वाइस काउंसलर, बिल्कुल सीख रहे हैं और बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। क्लैरिटी आपको, यानी कि आपने कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ करने के लिए आप अपने आप पे ध्यान देने लगे हैं, तो बिल्कुल वो आपकी तरफ आएंगे, वो बैलेंस उनके अंदर भी आएगा, ठीक है। और उन वो भी चीज़ों को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उस तरफ चल दिए हैं, निकल पड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो सब चीज़ें, गॉड पे विश्वास करना, ये जर्नी क्या होती है, ये कनेक्शन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पहले तो ऐसा नहीं था, जब उसके साथ था तो मेरे साथ ऐसे होता था, अच्छा सा फील करता था, मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती थी, अब कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी, कितना भी सेलिब्रेट कर लूँ, दोस्तों के साथ बैठ जाऊँ, कहीं भी बैठ जाऊँ, फैमिली के साथ बैठ जाऊँ, या आप मैरिड है ना तो अपनी वाइफ के साथ भी बैठूँ तब भी मुझे अच्छा फील नहीं होता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, तो एक सेकेंड गाइस, और क्या चाहिए, दया करो, इधर से भी देख लेते हैं तो कार्ड। बैलेंस उनकी लाइफ में आ रहा है, और क्या कहना चाहते हैं, और क्या एनर्जी है, और देख लेते हैं, और गहरा देखते हैं, डीप में जाते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। फ्रीडम, बिल्कुल उनको फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम, वो फ्री हैं, वो फ्री होना चाहते हैं, और ये फ्रीडम आएगी उनके लाइफ में। नथिंग टू वरी अबाउट, वो एक तरह से आपके लिए ये संदेशा है उनकी तरफ से कि टेंशन मत लो बिल्कुल भी, थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। और क्या है, और क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, और क्या है, मेक द एफर्ट, बिल्कुल क्या है। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, इसीलिए नहीं है ना, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट है उनके लाइफ में, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट क्या, थोड़े से काम को लेके, कुछ भी होता है घर में, परिवार में कुछ भी होता है, अभी वो रेडी नहीं है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी आ जाएंगे, बट हेल्दी सेक्सुअलिट, यहाँ पे भी सेक्सुअल की सेक्सुअल फ्रीडम आया है, और यहाँ पे भी सेक्सुअलिटी, यानी हेल्दी सेक्सुअलिटी, यानी कि वो आपकी तरफ पैशनेट है, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ब्यूटीफुल ल्यूमिनोसिटी का यहाँ पे एनर्जी है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। ओके, तो ऐसा नहीं है, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं वो, और ये एफर्ट आपको भी करना है, किसमें, अपनी ग्रोथ करो पहले, आप उसमें एफर्ट लगाएंगे तो आपका कनेक्शन अच्छा होगा। यू आर वर्दी ऑफ लव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के लिए, आप दोनों डिजर्व करते हो लव को, है ना, तो आपके पार्टनर कहते हैं यू आर वर्दी ऑफ लव, तो यहाँ पर ये अच्छी एनर्जी है। अवेकनिंग, यानी कि अवेकनिंग प्रोसेस में है वो, और ये प्रोसीजर तो फिर लंबा चलता है, ठीक है, थोड़ा सा तो आपको इस चीज़ से, सोच से, इस चीज़ से ब्रेक लेना ही पड़ेगा, ज़्यादा मत सोचिए आप लोग, क्योंकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने दो।
और क्या देखते हैं, यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, देखा। और क्या कह रहे हैं, यू आर माई सोलमेट, वाओ, आप उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक अबंडेंस लेके आए हो, यू अप्रिशिएट मी, कहीं ना कहीं आपके लिए है ये। ओ गॉड, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, पता है आपको। यू मेक मी फील अलाइव, और क्या है, यू कैन रीड माई माइंड, टेलीपैथिकली आप बात करते हो या कुछ भी, वो कुछ भी मैसेज भी करते होंगे ना, तो आप उनकी एनर्जी भाप लेते हो और वो समझते हैं कि तुम तो मेरे मन की बात कैसे जान लेते। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो बिल्कुल। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल, और क्या है, और देखते हैं, यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, यू आर जेन्युइन, और देख लेते हैं एक दो और क्या कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, सारे कार्ड एकदम से निकल गए थे। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, और क्या है, यू मेक मी अ बेटर पर्सन, यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, यू आर फनी, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, और ये एक है, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो कहीं ना कहीं 4 नंबर आया है और एक आपके बीच में कहीं ना कहीं तो एक कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी फील करते हैं आपके पार्टनर। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, बिल्कुल ये हो सकता है, यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, तो आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। गाइडेंस भी हम यहाँ से ले लेते हैं, क्या गाइडेंस है आप दोनों के लिए, यूनिवर्स की तरफ से हम गाइडेंस लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। ओके ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपने रिश्ते पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, और कुछ कहने की जरूरत है, एक और लेते हैं, जीत आपकी होगी आगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, दोनों के इमोशंस रनिंग हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे को आप बहुत फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी है आपकी मिसिंग वाली, दोनों ही एक आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, जो आपने पास्ट की चीज़ों को होल्ड कर रखा है मेरे व्यूवर्स, आपके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको थोड़ा रिलीज़ करो, लेट गो करो, ठीक है, तो ज़्यादा नेगेटिव वाली एनर्जीज को, जो भी आपको परेशान कर रही है, उनको लेट गो करो, रिलीज़ करो अपने अंदर से, उस एनर्जी को अपने अंदर मत रहने दो। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या नहीं है, सब आपको बता दिया मैंने। आगे क्या कहते हैं, चीज़ को आप ध्यान रखिए, ऐसी एनर्जीज को अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, और अपने ग्रोथ कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए, अपनी सोल को एलिवेट कीजिए, और बिल्कुल धीरे 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 सब चीज़ ठीक होती हैं, एकदम से कुछ ठीक नहीं होता है, और सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, वो अपने आप देखेंगे, अपने आप संभालेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए।